बहुत अच्छा लगता है, हम उनके मकान में रहते हैं। बहन कुमारी मायावती जी के पिताजी के मकान में रहते हैं, कैसा महसूस करते हैं इस मकान में रह करके? गर्व। गर्व, हाँ जी। बहुत कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए, कॉलेज बनवाया यहाँ पर पढ़ने के लिए, बहुत कुछ किया है। हमारे मोहल्ले की ज़्यादातर वहीं पर पढ़ी हुई हैं, अभी भी बहुत पढ़ती हैं, बहुत हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से बहन जी ने नाम कमाया है पूरी दुनिया में, आप भी चाहेंगे कि हम भी पूरी दुनिया में अपना नाम करें? जी बिल्कुल चाहते हैं जी, आदर्श मानती हैं। तभी तो अब तक काफ़ी बच्चे पढ़ चुके हैं यहाँ से, काफ़ी लड़कियाँ पढ़ चुकी हैं, नहीं तो यहाँ कोई सुविधा ही नहीं थी, जाने भी नहीं देते थे घर के बच्चों को बाहर, लड़कियों को तो खासकर नहीं जाने देते थे बाहर कॉलेजों में पढ़ने के लिए। अब जाने देते, अब तो यहीं है ना कॉलेज भी। हाँ हाँ, कॉलेज भी अपने गाँव में बन चुके हैं, अब तो आराम से जाते हैं बच्चे। मैं 12th क्लास पास की हुई है अब, हमको उनसे तो बहुत फ़ायदा मिलता है, अगर वो नहीं होते तो हम पढ़ भी नहीं पाते, कहीं नहीं जा पाते, उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है। यही है, यही है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर गांव में। यह वही बादलपुर गांव है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी आती हैं। मतलब मायावती जी का यह पैतृक गांव है। पैतृक गांव में आज बहन जी के जो पिताजी का मकान है, आज उस मकान की छत पर हम आज बैठे हुए हैं। ये करीब 50 वर्ग गज में ये मकान है और ये 2 मंजिला मकान है। देखिए इस मकान पर ये 12x8 का कमरा होगा जिसके हम ऊपर बैठे हुए हैं। बहुत छोटा सा ये घर है जहाँ से बहन जी इन गलियों से निकलकर, एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया है। ये इस मकान की ये छत है और इस पे एक चारपाई देख लीजिए आप, एक छोटा सा ये कमरा है, ये छोटी सी दीवार है, 4 इंच की दीवार है। ये देखिए ये जीना है। चलो नीचे। बहन जी का जो पिताजी का मकान है उसके पास ये खम्बा है, उस खम्बे पर जो है आज BSP का झंडा लगा दिया गया है। ये लोगों का यही कहना है कि जब से ये गांव सुर्खियों में आया है, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं अपने उत्तर प्रदेश की और उनका एक गांव है, गांव में सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई हैं, स्कूल कॉलेज और बिजली की सुविधा अच्छी है, साफ़ सफाई काफ़ी रहती है और बिजली सही आती है, काफ़ी विकास हुआ है गाँव का। ये देखिए एक परिवार रहता है यहाँ पर। बहन जी के जो पिताजी का मकान है, हम आपको बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि है। शशि जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं मेरा मायका तो है मिसलगढ़ी, रुक जाओ, मिसलगढ़ी गाजियाबाद। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ये जो मकान है, हाँ जी, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के पिताजी का मकान है, आप इसमें कब से रह रहे हैं? हमें होगी यहाँ पे 14-15 साल हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो इस मकान ये आपने खरीदा है या किराए पर रहते हैं? नहीं, अपना ही अपना हो चुका, हमारे जो ये थे प्रभुदयाल बाबा जी वो देकर गए थे। मतलब आपको दान में दिया था ये? हाँ, आपने मतलब हम उनके रिलेशन में ही है ना। अच्छा, तो अच्छा। देकर आप जो बहन जी की क्या लगती हैं आप? मैं भतीजे की वाइफ। अच्छा, भतीजे की वाइफ है। जब मायावती जी यहाँ पर पली बड़ी थी, 4-5 साल की थी, तब चली गई थी यहाँ से, उसके बाद से कितनी बार इस मकान में आई हैं? वो तो देखो मुझे पता नहीं है, वो अच्छा। तो हमारे बड़े बूढ़े ही जानते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ, उस बारे में मुझे नहीं पता। तो आपने इस मकान में क्या सुविधा करवाई है उनके बाद से, क्या क्या इसमें काम कराया है? बस ये अपना ये मतलब लेंटर वगैरह का कर दिया हमने सब। ये कितने वर्ग मीटर में है करीब? ये 50 गज के। कितने? हाँ वही 50। हाँ, 45-50 गज के करीब। हम 5 कुल मिला के। आपका हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड कोलंबिया एशिया में डॉक्टर हैं। हमारा गांव में अलग है ये तो, हम मैंने बताया, जैसे मैंने बता चुकी हूँ कि ये तो हमें बाबा प्रभुदयाल जी ने दिया था, नहीं तो हमारा खुद का मकान तो अलग है। अच्छा, बहन जी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है, कि क्या आपको कुछ
क्या क्या सुनते हैं आप उनके, कहाँ रहते हैं, बहन जी के मकान में रहते हैं, तो कैसा आप रिएक्ट करते हैं लोग आपसे? हम अच्छा बर्ताव करते हैं, मतलब न्यूज़ वाले ज़्यादातर आते रहते हैं ना, तो वो भी मतलब सभी लोग ऐसी बातें करते हैं, पूछते हैं कि तुम कैसा महसूस करते हो, सभी इस तरह की बातें करते हैं, क्या क्या करा है मायावती ने। हाँ, तो गांव में क्या क्या सुविधाएं आपके बच्चों के लिए, बहू बेटियों के लिए, मतलब जो स्टूडेंट हैं? हाँ, उनके लिए अच्छे स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था की है मायावती जी ने। हाँ, वो भी सरकारी हॉस्पिटल खुल चुके हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं अब तक उत्तर प्रदेश में, सबसे अच्छा किसका रहा है आपको, सरकार किसकी अच्छी लगी है? हमारी मायावती जी की। अभी सरकार चल रही है यहाँ पे योगी बाबा की उत्तर प्रदेश में, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? हमें तो कुछ नहीं मिल रही है। अच्छा। जी, जो हमें हमारी मायावती जी के राज में मिला वो इनके राज में तो कुछ भी नहीं है सुविधा। कुछ हमारे बच्चे खुद के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं जी। अच्छा, तो क्या सुविधाएं हैं, इनसे कुछ सुविधाएं नहीं मिली है? लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने जो है विकास किया, खुश हैं। बस कहते हैं, करते नहीं है। कह रहे हैं कि 5 बार मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार फिर से बहन जी। हाँ जी, ये पक्की बात है, हमें विश्वास भी है। गांव में पूरा कितना वोट बैंक है बहन जी का, BSP का? ज्यादातर देखो अपोजिशन वाले भी होते हैं और जो मायावती को मानते हैं वो भी होते हैं, है ना। कास्ट तो बहुत सारी, काफी कास्ट है, ज्यादातर SC OBC। हाँ, तो मतलब अदर कास्ट काफी है इसमें, चार या पांच कास्ट रहती हैं कुल मिला के। हाँ जी, तो सर BSP को वोट देते हैं और किसी को देते हैं? देखो, जो जिनके मायावती की वो है रुझान जिनको, वो मायावती को ही मानते हैं। और देखो, ज्यादातर तो मायावती की ही तरफ वो है। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन लोग आज भी जातिगत सूचक शब्द से प्रयोग करते हैं। हाँ, वो तो देखो, जिनको जो सम्मान हाँ, वो नहीं मिला। हाँ, जो गलत समझते हैं अपनी नजर में उन, वो तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। और जो हमें अपने विश्वास है कि हमारी बुआ जी लगती है, मतलब बुआ जी जो हमारी बुआ जी कर चुकी हैं अब तक, शायद वो कोई करे भी ना, आगे भी ना करे शायद कोई।